कांग्रेस से कब अलग थे कि साथ हो रहा है, कब हम लोग लालू जी या कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल देश बचाना है ना। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में यानी कि सदाकत आश्रम में दावत इफ्तार पार्टी रखा गया था, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, तमाम लोग, पप्पू यादव, ये तमाम नेता पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पे दावत इफ्तार की पार्टी रखी गई थी, वहां पे तमाम नेता पहुंचे और एक बार फिर से अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से जब दावत इफ्तार की पार्टी रखी गई थी, तो यहाँ पे जो मजबूती है, जो महागठबंधन की मजबूती, वो मजबूती मंच पे देखने को मिली। तमाम महागठबंधन के बड़े नेता पहुंचे हुए थे और इसी को लेकर जब पप्पू यादव से सवाल किया गया, तो पप्पू यादव ने साफ कह दिया कि कब कांग्रेस के विचारधारा से हम अलग है, कब लालू प्रसाद यादव के विचारधारा से अलग है। बिल्कुल, जो उनकी विचारधारा है उसी विचारधारा पे हम चल रहे हैं। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। साथ में एक बात बताइए, कांग्रेस से कब अलग थे कि साथ हो रहा है, अब देश को बचाइएगा ना। भैया मैंने कहा ना कि कब हम लोग लालू जी या कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल देश बचाना है ना। और अमन की जरूरत है, उसकी उसको उसको समझिए, देश बचाइए। तो आपने देखा किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से दावत इफ्तार पार्टी में यहाँ पे तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे और एक ही मंच पे तमाम नेता आए हुए थे और लगातार नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए नजर आते हैं। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए नजर आते हैं। और जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि ना ही हम जो कांग्रेस की विचारधारा है, ना हम उससे अलग है और ना ही लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से अलग है, देश को बचाना है और इसे बचाने के लिए महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ हैं। और पप्पू यादव ने भी, जो जाप सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम उसी विचारधारा पे चलते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की विचारधारा हो या कांग्रेस की विचारधारा हो, इन विचारधारा पे चलते हैं। और जो दावत इफ्तार की पार्टी जो रखी गई थी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जहां पे जो अध्यक्षता थे वो अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम हमने आपको लगातार दिखा है किस तरीके से महागठबंधन के जो नेता जब यहां पे एक एक कर जब पहुँच रहे थे, तो खुद जो अखिलेश प्रसाद सिंह है वो जा रहे थे और सबको एक एक कर मंच पर ला रहे थे, सभी का स्वागत कर रहे थे। जो तमाम नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव हों और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे MLA हो, MLC हो, तमाम नेता, मंत्री हो, सभी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कह दी है कि ना हम लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से अलग है और ना ही कांग्रेस की विचारधारा से अलग है। तो उन्होंने कह दिया है देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए महागठबंधन मजबूत है, अटूट है। तो आपने देखा किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी बात को रखा। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।